देश पांच फिल्म पद्मावत नू लेके बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट वालों बैन हटाए जान तो बाद भी एक बार फिर राजपूत समाज सड़कों ते उतर आया है। अंबाला च राजपूत यूथ ब्रिगेड ने प्रदर्शन करते हुए सिनेमा घरां च पहुंचे अते जम के नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस के सामने ही राजपूत यूथ ब्रिगेड के एक नेता ने सिनेमा संचालकों को चेतावनी दी कि जेकर फिल्म प्रदर्शित हुई तो पूरा का पूरा सिनेमा घर वो उड़ा देंगे। इस दौरान राजपूत समाज ने यह भी कहा कि हरियाणा को चौथी बार ना जला दिता जाए, इतने तक कि प्रशासन के नाल लोगों को भी चेतावनी जारी की गई। उसके बाद सेंसर बोर्ड को अगर ये फिल्म पास करनी थी, उसके बाद इन्होंने फिल्म पास कर दी और कुछ राज्यों में इसको बैन कर दिया। ये तो सरकार की कूटनीति का एक हिस्सा है, बिल्कुल काम हाथ तौर से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको चला दिया। अब हम फिर भी सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और न्यायालय है, गृह मंत्रालय। मेरे ख्याल से इसको पहले भी कई फिल्में बैन हुई है, सुप्रीम कोर्ट से पास होने के बाद बहुत सी फिल्में बैन हुई है। गृह मंत्रालय अगर इसको चाहे तो बिल्कुल पूरे तौर से बैन करवा सकता है, क्योंकि सारे राज्यों में, अकेला हरियाणा नहीं, आप ही देख ही रहे होंगे, कल भी फरीदाबाद में 2 सिनेमा हॉल जले हैं। उसके बाद अब यहाँ भी ये तैयारी है, अगर यहाँ के सिनेमा हॉल इस फिल्म को चलाएंगे तो यहाँ भी सिनेमा हॉल का वही हाल हो। ताकि अंबाला के जो लोग हैं, अंबाला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हरियाणा सरकार है, उनको हम लोग एक चेतावनी दे सकें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी माँ पद्मावती के ऊपर मूवी को जो स्टे लगाया है, जो बैन है उसको हटाया है, बाकी जिन सरकारों ने उसको प्रतिबंधित किया था, उसके लिए हमारा जो युवा है उसमें बहुत आक्रोश है और राजपूत समाज ये चाहता है कि उस पर बैन लगाया जाए। हमारे समाज को कई सदियों से ही इस चीज़ का टारगेट बनाया गया है, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़। माँ पद्मावती जो एक सती हैं, जिनके मंदिर बनाए गए हैं राजस्थान में, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, उनकी आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। बॉलीवुड के जो निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली, उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में। और अंबाला तो BS कल्याणी की रिपोर्ट, चैनल 2।